नमस्ते दोस्तों, मैं गायत्री, गायत्री के देसी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ बिल्कुल होटल स्टाइल में, मशरूम दो प्याज़ा। इसे खाकर आप नॉन वेज भी खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनने वाला है। तो हम अभी मशरूम दो प्याज़ा बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके हम सामान दिखा के देते हैं कि हम क्या क्या इसमें डालेंगे। तो ये हमने मशरूम लिया है, पहले इसको मैंने धुल लिया अच्छे से छील के और दो टुकड़ों में इस तरह काट लिया है। अब ये हम प्याज लिया है तो हम बीच से काट के और इसको इस तरह खोल लिया है। और ये कुछ एक प्याज हमने लिया है तो इसको बारीक काट लिया है। और ये लहसुन है तो 5 से 6 कली लहसुन को हमने छील के और काट लिया था। अब हम एक बर्तन रखेंगे गैस में और इसको गरम करेंगे। तो हमने इसमें डाल दिया है रिफाइंड तेल, हम अभी थोड़ा ही तेल डाला है। तो ये जो हमने प्याज इस तरह खोला हुआ था इसको हम डालेंगे और हल्का फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ना लाल करना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और हल्का सा सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमें इसे निकाल लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे ये दो मिर्ची, हरी मिर्ची हमने बीच से इस तरह टुकड़ों में काट लिया, और एक टमाटर। तो इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इस टमाटर को और मिर्ची को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, टमाटर को हमको बिल्कुल गलने नहीं देना है, हम थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। पहले हम मिर्ची निकाल लेते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पक जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम मिर्ची निकाल लिए हैं, अब हम टमाटर को भी निकाल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल हमारे टमाटर खड़े खड़े हैं, गले हुए नहीं हैं। तो इसी तरह का हमको टमाटर और मिर्ची और प्याज इसी तरह हमें फ्राई करना है। और थोड़ा सा तेल हम और डाल देंगे, इसमें थोड़ा कम लग रहा था इसलिए। तो इसमें जो हमने मशरूम अभी काटा था तो उनको डाल देंगे और इनको भी फ्राई करेंगे अच्छे से। तो हम इस तरह डाल दिया सारे मशरूम को, अब चलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम में हम इनको फ्राई करेंगे। अभी इसमें पानी छूटेगा, इसमें पानी छूटता है। तो ये देखिए ये पानी बहुत सारा निकल रहा है। तो हम इस पानी को अभी निकाल लेंगे एक बर्तन में और हम इसको सब्जी की ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। हमें इस पानी को फेंकना नहीं है। तो हमने एक बर्तन में देखिए इस तरह निकाल लेंगे पानी सारे मशरूम का। ये बहुत ज़्यादा पानी हो गया था इसलिए, और ज़्यादा पकाएंगे तो गल जाएगा बहुत ज़्यादा मशरूम, इसलिए हमने पानी निकाल लिया है। और इनको अब हम फिर से फ्राई कर लिया। तो देखिए जो पानी था तो सूख गया, अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा चेंज हो गया है। तो हम अब इन मशरूम को निकाल लेंगे। तो हमने निकाल लिया है और अब इसमें फिर से डालेंगे रिफाइंड तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और एक स्पून हम भर के बड़े स्पून में घी डालेंगे और इसमें डालेंगे अब जीरा, हम 2 छोटा स्पून जीरा डाला हुआ है तड़के में, और 2 हरी इलायची। तो इनको अच्छे से चटकने देंगे। और ये है 2 लौंग, तो हम चलाते हुए पकाएंगे। और अब ये हमने जो छोटे टुकड़ों में प्याज काटा हुआ था तो इनको भी डाल देंगे और डाल के अच्छे से भूनेंगे। ये है लहसुन और अदरक का हमने कूट लिया था तो हमने उसे भी डाल दिया है, हमने पेस्ट नहीं बनाया, हम ऐसे ही कूट लिया था, कूटा हुआ है अदरक और लहसुन। अब हम इसको अच्छे से गोल्डन कलर का होने देंगे। तो हमारी प्याज देखे पक चुकी है। तो हम इसमें डालेंगे अब मसाले। तो हमने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और ये 1 स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हम 1 छोटी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 स्पून हमने धनिया पाउडर डाला है। और ये है गरम मसाला, तो हमने 1/2 स्पून गरम मसाला डाला है। और ये दही है तो हम 2 स्पून दही डालेंगे। दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए और दही डालने से सब्ज़ी बिल्कुल भी खट्टी नहीं बनेगी। और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम में दही को चलाएंगे अच्छे से, मसाले में मिक्स करेंगे, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी इसको मिक्स करेंगे।
और ये हमने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था, दो टमाटर थे तो हमने दो टमाटर बड़े साइज का लिया था, तो उसका पेस्ट बनाया था मिक्सर जार में पीस कर, तो हम इसको भी डाल दिया है। और टमाटर के पेस्ट को हम अच्छे से भूनेंगे मसालों में, बिल्कुल तेल जब तक छूट ना जाए तब तक हम इनको भूनना है। अच्छे से हम भूनते जाएंगे। देखिए हमारा अच्छे से टमाटर भी भून चुके हैं और तेल एकदम से ऊपर आ गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो हम अभी स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और देखिए हमारे मसालों का ही कलर बहुत अच्छा आया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, अभी से मन कर रहा है खाने को। तो दोस्तों मेरा सपोर्ट करिए। और ये हमने काजू का पेस्ट डाला है, हम 2 स्पून डाला है काजू का पेस्ट। तो ये हमने काजू को और मिक्सर जार में पीस लिया था, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के 8 से 10 काजू। और ये 1 स्पून मलाई है बड़ा स्पून में, तो हम ये ताज़ा मलाई है, ताज़े दूध का मलाई, तो हमने उसको भी डाल दिया है। और इनको अच्छे से मिक्स करके इनको भी पकाएंगे मसालों के साथ अच्छे से, अभी इनको भी पकाएंगे तो तब खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये है कसूरी मेथी, तो हमारी कसूरी मेथी हल्की सी सॉफ्ट हो गई थी, तो हमने तवे में थोड़ा सा गरम करके तवा उसमें भून लिया है। तो हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें फ्राई किए हुए मशरूम डालेंगे। ये मशरूम की सब्ज़ी खाने में बहुत ही हेल्दी टेस्टी तो रहती ही है, लेकिन हेल्दी भी बहुत होती है। मशरूम बहुत खाना चाहिए, लोग नॉन वेज खाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि नॉन वेज से ही लोगों की सेहत अच्छी रहती है, ये मशरूम भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम अच्छे से मशरूम को मसालों में मिक्स कर देंगे, हमने मिक्स कर दिया है। और ये जो हमने प्याज इस तरह करके फ्राई किया था तो उसको डाल देंगे, इसको ही डालने से इस प्याज इस तरह डाल के बनाते हैं, इसी ये बोलते हैं मशरूम 2 प्याजा। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, जो हमने पानी निकाला हुआ था हम इतना ही पानी डालेंगे, जो मशरूम का फ्राई किया हुआ पानी निकला था फ्राई करते समय तो वो हमने निकाल लिया था, वही पानी है। यदि आपके मशरूम में पानी ना निकले तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। तो हमने पूरा पानी जितना निकाला हुआ था वो पूरा डाल दिया है, और हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं करेंगे, ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं इसमें की जाती मशरूम 2 प्याजा में। तो हम इसको अब पकाएंगे थोड़ी से गाढ़ा होने तक। देखिए कितनी लाजवाब सब्जी बनी हुई है हमारी, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए कलर भी बहुत एकदम से बहुत अच्छा आया है, होटल स्टाइल में एकदम बना है। आप भी एक बार बना के और ट्राई कीजिए कि बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि घर में आप बनाया हुआ है। और ज़्यादा कुछ नहीं लाना मार्केट से, सिर्फ आपको मशरूम भर लेके आना है। तो ये हमने जो फ्राई किया था मिर्ची उससे गार्निश कर देंगे हरी मिर्ची से, और ये टमाटर जो हमने फ्राई किया था इसे भी ऊपर से गार्निश कर देंगे, टमाटर को भी। देखिए अब ऊपर से रख देंगे हरी धनिया। तो दोस्तों आज हमने बनाया है मशरूम 2 प्याजा होटल स्टाइल में, और बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। तो आप इसे रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं, देखिए एकदम से कलरफुल बना हुआ है। तो यदि मेरा वीडियो आज का दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।